होली के त्योहार को लेकर मिलावट खोरों पर लगाम लगाने के लिए खाद्य विभाग ने खाद्य जांच वैन को जिम्मेदारी सौंपी है। ये वैन कस्बों में जाकर शिकायतों के आधार पर सैंपल भरेगी और साथ ही परीक्षण भी करेगी। फिलहाल ये वैन मुख्यालय के कई दुकानों के सैंपल लेकर उसकी जांच कर रही है। आपको बता दें कि हमीरपुर जिले में कई कस्बों में त्योहार आते ही मिलावट खोरों सक्रिय हो जाते हैं और मिलावटी मावा, तेल और अन्य खाद्य पदार्थ बेचने लगते हैं। इससे निजात पाने के लिए खाद्य विभाग ने एक वैन को सड़क पर उतार दिया है, जो लोगों की शिकायत पर मौके पर पहुंचेगी और खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग करेगी। मिलावट पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। होली पर्व के दृष्टिगत जनपद के सभी जनपद वासियों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने हेतु आयुक्त महोदय, खाद्य सुरक्षा औसत शासन लखनऊ एवं जिलाधिकारी महोदय हमीरपुर के निर्देश पर जनपद में एक दिन के लिए फूड सेफ्टी व्हीकल आई थी, जो खाद्य पेयों के पदार्थों की जांच कर जागरूकता कर रही थी, ताकि लोग होली में मिलावट कम से कम मिलावट खाद्य पदार्थ प्राप्त कर सकें। कितने लोगों की इसमें जांच की गई और क्या कार्रवाई? चूँकि एक दिन के लिए आई थी, इसे हमीरपुर नगर पालिका में अकिल चौराहा और कालपी तिराहे पर ठहराव इसका किया गया था तथा कुरारा बाजार में कुल 36 नमूने जांच किए गए, जिसमें 30 नमूने पास हुए, 6 नमूने 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।